किधर भाई, नजर नहीं आ रहे हैं मुझे भाई जान, हम इधर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, इधर आओ सारे गंजे मंजे। ये तो भी मेरी उम्र हो गया, मतलब मेरे करीब करीब। तो भी आप, ये है कि थोड़ा सा रंग मेरा सांवला है, आपका काला है। वगैरह ये चॉकलेटी वो काला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं सुबह से ना, मेरी थोड़ी तबीयत अपसेट थी, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन मैं खुशी से ना, मुझे फील भी नहीं हो रही भूख जो है ना। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ग्रीनरी थोड़ी, आप लोग समझ रहे हो कि मैं पता नहीं कहाँ आया हूँ। और इस तरफ अगर दिखाऊँ आपको, तो ये जो जगह है ना, ये है खिजर उमर भाई की मतलब अपनी जगह है, और मैं उनके पास आया हूँ मिलने के लिए। अच्छा यार, मैं अभी आपको खिजर भाई से मिलवाता हूँ अंदर जाकर। और किधर भाई, नजर नहीं आ रहे हैं मुझे भाई जान, हम इधर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? किधर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? सर 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 सब ठीक है। ये हमारे मौलवी साहब हैं, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। आज है हैट के गपशप करते हैं। अच्छा, मैं यकीन करो, मैं पहली बार आज किधर भाई से मिल रहा हूँ, और इतना ज्यादा मैं खुश हूँ ना, मेरी जो तबीयत खराब थी, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, और मैंने मतलब कोई दुख, कोई काम कुछ भी नहीं है, और बस खुशी सी अंदर से आ रही है भाई। जज़ाकअल्लाह प्यारे भाई, बैठे सर। सर ये जो है खिजर भाई का डेरा है, और माशाल्लाह इन्होंने जगह भी बहुत प्यारी बनाई हुई है। यहाँ से शायद आपने किसी इंटरव्यू वगैरह में भी देखी हो, और ये तो माशाल्लाह तारुफ के मोहताज नहीं है। और मौलवी साहब का तो मैं कर रहे हैं कि कोई अपना नाम शाम बनाए कि तारुफ के मोहताज ना रहे, हम भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं। और भाई लोग सब ठीक ठाक हैं? जो जो भाई मेरा देखने वाला है, नीचे कमेंट करना है मेरा नाम, इनको बताना है, ये मेरा नाम पूरा नहीं जानते, ठीक है? इस बहाने चले कमेंट आपने लाजमी करना है। और मौलवी साहब से मिले, मौलवी साहब सुनाए, अभी क्रिकेट खेल के मौलवी साहब अभी जो है ना फ्री हुए हैं। क्रिकेट आता तो नहीं है, बस बच्चों के साथ थोड़ा 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 लगा रहता हूँ। और आजकल जो है ना जिम भी कर रहे हैं मौलवी साहब। अच्छा माशाल्लाह, जिम क्या की मैंने, जिम मेरे तो आदाब बन गया इधर आज। अच्छा नया नया बता, जब जिम करते हैं ना तो पेन होता है, थोड़ा सा पेन हो रहा होगा। यही सेम हो रहा है। वीडियोज में बहुत शरारती लुक आती है आपकी, तो वीडियो के अंदर जितनी भी शरारत होगी ना उतनी आवाम पसंद करेगी। बिल्कुल, ये लोगों का प्यार है बस, इसीलिए तो बंदा भी मोटिवेट होता है और करता जाता है। बिल्कुल। अच्छा आए, आपको डेरा शेरा विजिट कराए सर, बहुत शुक्रिया। ये हमारी जो है ना भैंसे वगैरह हैं इधर, गाय, सॉरी मौलवी साहब ने स्पेशल जो है ना गाय रखी हुई है। अच्छा मौलवी साहब, हमारे जो मेरे बच्चे हैं ना, उनके दूध पीने के लिए मौलवी साहब के, और हमारे जो छोटे 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 जी जी बिल्कुल, उनके दूध के लिए रखी हुई। बेसिकली मैंने यहाँ पे घोड़े रखने हैं। अच्छा, और घोड़े मैंने ले भी लिए हैं, माशाल्लाह। उसका व्लॉग भी बना हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी अपनी ऑडियंस को वो दिखाएंगे इंशाल्लाह सर। तो ये गाय वगैरह यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। कुछ छोटे भाई ने ये भी रखी हुई है, ये सारा डेरा आपने अपने हिसाब से बनवाया मतलब? हाँ जी हाँ जी, ये आए ना, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो पोर्शन है ना जी, ये ग्रासी प्लाट बैठने के लिए, और ये वाला जो एरिया ये घोड़ों के लिए है। इंशाल्लाह आ जाएंगे अगले वीक घोड़े भी, घोड़ों का मतलब थोड़ा ट्रीटमेंट था तो वो हो रहा है, वो जैसे यहाँ पे घोड़े आएंगे ना, दूसरा व्लॉग भी बना के आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और आपकी टीम के लोग, आप दो तो नहीं होते हैं वीडियोस में, ज्यादा लोग होते हैं? 12-15 लोग हैं। अच्छा, तो सारे नहीं है अभी यहाँ पे? अभी आज छुट्टी का दिन है ना। अच्छा, आज हमने काम शाम नहीं किया, आज हमने फैमिली को टाइम दिया, और अभी आपका मैसेज आया तो मैंने कहा चले एहसान भाई से मिल लेते हैं। सर आपका शुक्रिया बहुत ज्यादा। नो प्रॉब्लम यार, जो स्ट्रगलर बंदा होता है ना, सीरियसली मेरी फुली सपोर्ट होती है उस बंदे के लिए। और जो आपने देखा होगा कि मैं इंटरव्यूज भी कोई बहुत बड़े बड़े चैनल्स को नहीं देता, हालांकि मुझे ऑफर्स होती रहती हैं हर बड़े चैनल से, मॉर्निंग शोज और मतलब जितने भी शोज वगैरह होते हैं वहाँ पे बुलाते रहते हैं, लेकिन टाइमिंग का इशू है कि मैं वहाँ पे नहीं जा पाता। लेकिन मतलब हमारे यूट्यूबर हैं, नए यूट्यूबर हैं, स्ट्रगलर हैं, कंटेंट क्रिएटर, उनको मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। और इसी तरह उनमें से आसान भाई भी हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, सपोर्ट करें भाई को। नहीं, ये चीज़ यार मैंने खिजर भाई के अंदर देखी है। मैंने खिजर भाई को फर्स्ट टाइम जब मैसेज किया था ना, उन्होंने इतने प्यार से मुझे जवाब दिया ना, घर में थे बच्चों के साथ, फिर मैंने आपका मैसेज देखा तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, 2-3 घंटे एहसान भाई के साथ ही। सर सर बहुत शुक्रिया। अच्छा ये आपकी बैकग्राउंड में गाड़ी नजर आ रही है, माशाल्लाह इसकी बहुत ज्यादा तारीफें की हैं सोशल मीडिया पे लोगों ने। ये तो जान है ना हमारी, गाड़ियों का मुझे बेसिकली शौक है, बहुत ज्यादा शौक है गाड़ियों का। अभी बस कुछ मुश्किलात हैं उसकी वजह से ना, सेटिंग नहीं कर रहा, नहीं तो यहाँ पे स्पोर्ट कार आपको नजर आती और कारें शारें सारे शशके पूरे करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। इंशाल्लाह लेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, सारी गाड़ियाँ लेंगे, और शौक बड़ा है गाड़ियों का इंशाल्लाह। जब गाड़ियाँ नेक्स्ट लेंगे तो फिर भी एक दफा मुझे बुलाना जरा, मैं वीडियो बनाऊंगा। क्यों नहीं, तब तक इंशाल्लाह आपके पास भी गाड़ियाँ होंगी। अल्लाह आपका जबान जो है आपकी मुबारक करे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं ब्रदर, और मेहनत से सारा कुछ होता है। एक टीम मेंबर अभी आपके मैंने देखे बैठे हुए इधर, वो क्या है? इधर आओ सारे गंजे मंजे। माशाल्लाह मोटू पतलू आ रहे हैं, आपको वहीं से वेलकम करें जी, मोटू पतलू की आवाज में करेंगे। आ,
भैया अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं। ओह जॉन बनेगा डॉन, WELCOM पता नहीं आगे ई होता है या नहीं। हम चिंगम के चंगुल से बचने हम पौसी वाला, ये बोले तो हम पौसी वाला हसन भाई हमारे पास आया है, आपको वेलकम। अच्छा मैंने आपकी ये सारी इंटरव्यू की जो आप शरारतें करते हैं ना मैंने देखी है पहले से, और मैं आपकी मतलब सारी टीम को जानता हूँ पहले से सोशल मीडिया पे। हमारी जो टीम है ना हमारी शान है वो, बिल्कुल बिल्कुल इनकी सपोर्ट से ही मतलब हम इतने ज्यादा व्यूज कैश कर। अच्छा आप लोगों का आपस में प्यार भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा हमारा जो माहौल है ना यहाँ का, हमारा कभी भी मतलब उस तरह का माहौल नहीं बना के एक बॉस है। अजाने हो रही है मेरे ख्याल से, अजाने सुन लें। अब अजाने हो गई हाँ जी, अजाने आ गई थी और उसकी वजह से हमने ब्लॉग बंद कर दिया था। अभी इस नए हसन भाई आपको इलाका कैसा लगा? सर इलाके से ज्यादा खूबसूरती तो आपसे मिलके हो रही है, मुझे जितनी खुशी है मैं यकीन करें आपको बता नहीं सकता। जजाक अल्लाह प्यारे भाई, आपने देखा होगा कि अभी गेट पे भी मैं बैठा था, जितने भी फैंस आए थे कोई खाली नहीं गया, किसी को हमने वापस नहीं भेजा। अच्छा फिदर भाई ने मतलब जितने भी आए हैं मेरे सामने होते हुए भी सेल्फीज ली हैं सबके साथ और सबसे मोहब्बत से मिले हैं, और मैं बात कर रहा था अभी व्लॉग एंड करने से पहले कि इन लोगों की आपस में मोहब्बत जो है ना इतनी ज्यादा है ना माशाल्लाह, ये मौलवी साहब तो हर जगह ही आपके साथ नजर आ रहा है। हमारा जो माहौल होता है ना यहाँ का, कोई भी वो वाला माहौल नहीं है कि ऑफिस है एक बॉस है उसके नीचे, ठीक है इज्जत बहुत करते हैं एज ए बॉस मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे दोस्ताना माहौल होता है। हम लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे मजाक में, क्रिकेट खेल रहे होंगे, गपशप कर रहे होंगे, खाना पीना सारा कुछ चलता रहता है। डेरे पे हम वैसे बहुत कम टाइम देते हैं क्योंकि शूट के लिए निकलना होता है, आपको पता है लोकेशन पे जाना होता है, तो एक ही लोकेशन पे तो वीडियो नहीं बनती, कोई लोकेशन 20 किलोमीटर। अच्छा आपका काम भी बहुत मेहनत वाला है, बहुत मेहनत वाला काम है, 4-5 घंटे का शूट, उसके बाद एडिटिंग, मेन चीज है स्क्रिप्ट को सोचना लिखना, उसमें बड़ा टाइम लगता है। अल्लाह ताला आपको सर मजीद रखियां दे, और आप जितने कामयाब हैं माशाल्लाह से आप हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला में भी कामयाबी है बेशक, मेहनत कीजिए। ये मौली साहब बहुत देर से देख रहा हूँ खामोश है, नजर आ रहे हैं बस। खामोश रहूं तो बेहतर, आपकी वजह से इन्होंने मेरी बारी नहीं दी, ये बारी मेरी खा गए। किस चीज ये खेल रहे थे जो आप? अच्छा जब मैं आया ना तो ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे और इन्होंने मेरी वजह से जो है ना खेल रोक दिया, खेल रोक दिया, अब ये बारी नहीं देंगे मुझे। चलें सर मैं आपसे माजरत करता हूँ। जी मैंने इनको भी देखा माशाल्लाह, कैसे हैं आप सर? ठीक है माशाल्लाह, आप सब लोगों का प्यार जो है ना वो सबसे ज्यादा मतलब मोटिवेट करने वाला है कि आप लोगों की टीम इतनी अच्छी खूबसूरती से काम करती है दूसरे के साथ मिलके। ये आप लोगों की बात ये है कि दुनिया में आए हैं ना जिंदगी को जीना चाहिए, नहीं तो ये गुजर जाएगी। बिल्कुल, तो गुजारनी नहीं है जीना है जिंदगी को, ये बस माइंड सेट है हमारा। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, अभी थोड़ी शाम हो रही है और मैं भी जरा अपने घर जाऊंगा क्योंकि सफर थोड़ा लंबा है। हाँ जी हाँ जी, आपने जितना वक्त देते रहते हैं आप अपनी अम्मी को हमारी तरफ से सलाम दीजिएगा, बड़ा क्यूट सा माहौल होता है, आप ब्लॉग वगैरह बनाते हैं मैंने भी देखे हैं आपके ब्लॉग। मैं ब्लॉग्स वगैरह कम ही देखता हूँ क्योंकि हमारा जो काम है ना फनी वीडियोस का, तो मोस्टली मैं वही देखता रहता हूँ, वहाँ से हमें आइडियाज मिलते हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे व्लॉगर्स हैं ना उनके व्लॉगर सामने आ जाते हैं तो हम वो भी देखते हैं। सर आपका प्यार है ये माशाल्लाह। और स्किजर भाई मैंने आपको पहले बताया मेरे सबसे ज्यादा करीब सोशल मीडिया मतलब जो जो लोग हैं ना सबसे करीब मेरे रहते हैं, और इन्होंने जितनी खूबसूरती से मुझसे बात की और टाइम दिया है तो मैं खुद भी माशाल्लाह इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके लिए घर जाके मम्मा से दुआ भी करवाऊंगा। मेरी दुआएं आप तो भाई हैं हमारे बड़े, जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप लोग भी मेरी और खिजर भाई की तरक्की के लिए कमेंट्स में आमीन लिख देना, अल्लाह ताला इनको भी मजीद कामयाबी दे और मुझे भी दे। तो अभी फिर चलते हैं, सही है? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप जो है ना दुआओं का छापर भरवा सर सर आपकी जो मोटू पतलू की ये चीज़ है ना ये तो छोटे बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं। 80 साल के बच्चे भी पसंद करते हैं। 80 साल के कौन से बच्चे होते हैं? 80 साल का जब बंदा होता है वो भी बच्चा ही हो जाता है। मौलवी साहब को देख के बात की है? नहीं मैं 18 साल का बच्चा हूँ। मौलवी साहब 80 साल के नहीं है, ये 79 ईयर्स इनकी। वो क्या होता है यार, ये क्या बोला जाए, रहे 80 और 9 99। नहीं नहीं ये गलत बात है। अच्छा अभी ना थोड़ी देर पहले आपकी उम्र आप गैस करें, आप लोग गैस करें चलो कितनी उम्र होगी? ये होगा जी 18 या 17 बस। अभी मैंने सुना किसी को बात करते हो कहते लोग आपसे मिलने आते हैं और इनको मतलब खिजर भाई का अबू बना देते हैं। अच्छा पता है क्या, जब हम टिकटॉक पे वीडियो वगैरह बनाते थे ना, यकीन करें जब हम जहाँ से भी गुजरते थे लोग कहते थे कि यार ये बहुत बेटा है, वीडियो बनाते हैं इतने वायरल होते हैं, ये बड़े भाई की जगह, यकीन करें।
हालांकि काफी बड़े हैं, 80-90 साल उम्र है इनकी, लेकिन खुद बता दो सही से ये है कि 19 होगी बस, 19 या 17 18 इन तीन चीज आप बता दें। 24 साल है सर इनकी उम्र, 24 साल की। हाँ जी, अच्छा 5 साल ज्यादा बताइए आप। मान लेते इन्होंने कह दिया तो मान लीजिए, ये तो फिर मेरी उम्र हो गया, मतलब मेरे करीब करीब। तो भी आप ये है कि थोड़ा सा रंग मेरा सांवला है, आपका काला है, ये चॉकलेट वो किधर भाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा भी आप लोगों की शरारतें लाइव देखने वालों को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू, लव यू टू मेरी तरफ से भी। यार कल मैं खिजर उमर भाई से मिल के आ गया था घर में ना, मैं थोड़ा बोर हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे आकर ना दोस्त जो पुराने थे साथ काम करने वाले इनसे मिलता हूँ, थोड़ा तो मूड फ्रेश हो जाएगा। मानुल्ला भाई भी सामने घूम रहे हैं, और मुझे ना एक जगह याद आई है, मैंने जब ना अपने YouTube चैनल का पहला व्लॉग लगाया था ना चैनल पे, उसके चैनल की इंट्रो जो मैंने की थी पहले व्लॉग की, वो मैंने सामने एक पॉइंट मुझे नजर आ रहा है, मैंने वहाँ बैठ के की थी। ये जगह थी मैं जहाँ पर बैठा हुआ था, और मेरा जब पहला व्लॉग मैंने शुरू किया था ना, उसका इंट्रो मैंने यहीं पर बैठ के किया था, और सेम ऐसे मैं बैठा हुआ था सामने उदास शक्ल लेके, और वो मैं आपको क्लिप सामने चला के भी दिखाऊंगा थोड़ा सा, आपको समझ आ जाएगी। बाकी सारे लड़के चले गए और मैं अभी तक यहाँ जॉब पे हूँ, और अब सबसे लेट जा रहा हूँ घर वापस। और मेरे चैनल पे आप जाके मेरा पहला व्लॉग अगर देखोगे तो उसमें ऐसे ही शुरू होगा, मेरा इंट्रो यहीं से शुरू हो रहा होगा। कुछ लोग मुझे कहते थे मतलब कि मानुला की याद आती है, मानुला से दोबारा मिलवाओ। आपको कहते हैं, हमें भी कहते हैं। अच्छा तो मैंने कहा मानुला की आज याद भी आ रही है तो मानुला से मिल के आते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक हो? अल्लाह इधर जरा बैठ जाओ, हमें भी थोड़ा सा टाइम दे दो। नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं होता, बैठ जाए बैठ जाए, इस चीज को मैं नहीं सोचता। अरे लोग मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ, यहीं से रह के यहीं बदल जाऊंगा तो फायदा, इंसान सारे बराबर होते हैं, पैसा है वो बड़ा लोग। नहीं नहीं नहीं, इंसान सारे बराबर होते हैं, और आप मेरे साथ अभी तक वैसे ही हैं जैसे मैं पहले था, मेरे से बड़े हैं आप, आपकी इज्जत भी बनती है। मैं मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके पास वापस यहाँ पे आ जाऊँ और दोबारा से जॉब स्टार्ट कर लूँ, मतलब काम करना शुरू कर दे मैं दोबारा। क्यों, वो ये काम आपको पसंद कौन पसंद है, लेकिन आपकी याद आती है, याद आती है, आपकी मर्जी जैसी चाहे आ जाऊँ दोबारा काम करने, आ जाऊँ। चलो फिर आ रहा हूँ बहुत जल्दी वापस, सही है तो आपको मैं फिर से मान लग कर कल आ जाऊँ। चलो मैं बात करता हूँ पेट्रोल पंप के ओनर से, उनको कहता हूँ मुझे दोबारा जॉब दो, मैं यहाँ पे वापस आना चाहता हूँ, सही है। ओके ओके, बहुत शुक्रिया आपका। ये मामला बड़ा यार अच्छा बंदा है, नाइस बंदा है माशाल्लाह, एज में बड़ा है, लेकिन हमारा ऐसे दोस्ती का ताल्लुक हो गया था साथ काम कर करके। एक दिन मैंने आपको कहा था कि चैनल को ना सब्सक्राइब करने का कह दो, तो एक दफा फिर दोबारा कहो, सब्सक्राइब कहो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब।